की बात कर लेते हैं, जहां पर दलित युवती की हत्या मामले में एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम में अंतर बताया गया। एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर खान ने माना दोनों रिपोर्ट अलग है, दोनों रिपोर्ट में अंतर होने पर मृतका के परिजनों ने हंगामा कर दिया है। तो ये एक बड़ा पहलू सामने निकल के आया है। उन्नाव कांड से रिपोर्ट जो है वो यहां पर अलग बताई जा रही है, दोनों रिपोर्ट्स में अंतर बताया गया, जिसको लेकर अब पीड़ित के जो परिजन हैं वो हंगामा कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स आखिर अलग कैसे हैं। एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है कि दोनों रिपोर्ट्स अलग हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक्सपर्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें अंतर बताया गया। एफएसएल एक्सपर्ट डॉक्टर खान ने यह माना कि दोनों रिपोर्ट जो है वो अलग है। और जैसे ही जानकारी अब मृतका के परिजनों तक पहुंची है, उसके बाद मृतकों के परिजनों ने हंगामा किया है। दलित युवती की हत्या का यह मामला उन्नाव में, इसको लेकर रिपोर्ट्स में अंतर बताया गया है। ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, इस पूरे मसले को लेकर ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, रिपोर्ट जो सामने निकल के आई दोनों में काफी अंतर बताया गया, क्या जानकारी लग रही, किस तरीके का अंतर बताया गया, क्या पहले रिपोर्ट में था और क्या बाद की रिपोर्ट में बताया गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि कल आपने देखा था, कल जब ये खुदवाई गई है बॉडी वहां से, फिर पीएम के लिए आई और पीएम विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा एफएसएल विशेषज्ञ डॉक्टर जी खान भी आए। आपने जी मीडिया के कैमरे में भी देखा था, डॉक्टर जी खान ने ये चीज एक्सेप्ट की थी कि पहले जो मेडिकल रिपोर्ट आई है और जो अब मेडिकल रिपोर्ट आई है दोनों में अंतर है। जहां तक जो जानकारी मिली है अभी तक जी मीडिया को, उसके अनुसार पहले जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें सर में आगे दो चोट थी और जो अब आई है उसमें सर में पीछे दो चोट हैं। इसके अलावा पहले जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें गले की हड्डी शायद टूटी हुई बताई गई थी, लेकिन इस बार जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें गले की हड्डी टूटे होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा एक जांघ के पास और बाएं हाथ के पास भी इस मेडिकल रिपोर्ट में चोट होने की बात सामने आई है। जी शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।